हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर बच्चे के विकास के लिए बहुत सारे बदलाव कर रहा होता है। दोस्तों ऐसे में ही आपकी जो ब्रेस्ट है उनमें दर्द होने लगता है। दोस्तों आपके शरीर में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं, आपका शरीर 50% ज़्यादा ब्लड का निर्माण करने लगता है, लिक्विड आपके शरीर में बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है, जिससे कि आप एक स्वस्थ भ्रूण को जन्म दे सके। देखिए क्या होता है दोस्तों, बच्चे के बनने के साथ साथ शरीर में बहुत अधिक शारीरिक चेंज होते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं और उन्हीं बदलावों में से एक है आपके ब्रेस्ट में दर्द होना। देखिए जब आपके पीरियड आते हैं उस समय भी आपने नोट किया होगा कि आपके ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और उनमें आपको पेन महसूस होने लगता है। सेम ऐसा ही होता है आपके प्रेग्नेंट होने के समय भी। ऐसा आपको अपने प्रेग्नेंट होने के तीसरे से चौथे हफ्ते में ये लक्षण दिखाई दे सकता है और ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। ये किस लिए होता है कि आपके शरीर जो है, आपकी जो बॉडी है, वो बच्चे के स्तनपान के लिए आपकी ब्रेस्ट को तैयार कर रही होती है, इसलिए आपके ब्रेस्ट में भारीपन आ जाता है, सेंसिटिविटी आ जाती है और आपका जो ब्रेस्ट है उसमें जो नसें होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं दूध के निर्माण के लिए तैयार हो रही होती हैं और उसमें फैट की एक लेयर जम जाती है, मोटी फैट की लेयर बन जाती है, साइज इंक्रीज होता है। इस कारण से आपका प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में दर्द होने की समस्या देखी जाती है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए एक तो आपका जो निप्पल का एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे को फीड कराने के लिए शुरुआती दौर से ही आपके निप्पल का साइज इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। ब्रेस्ट का जो निप्पल का पोर्शन होता है, ब्लैक पार्ट जो होता है, ब्राउन से वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, क्योंकि वहां पर जो है आपके एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन की मात्रा और मेलानिन बहुत अधिक इंक्रीज होता है, जिस कारण से उसका कलर सांवला होने लगता है। उस पर आप नसें देख सकते हैं। देखिए ग्रंथियां बहुत अधिक तेजी से वर्क करती हैं, तो इस कारण से आपकी जो ब्रेस्ट पर बहुत अधिक छोटी छोटी नसें भी आपको देखने को मिल सकती हैं और इस कारण से भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है। इसके क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों? ब्रेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण तो होता है दोस्तों हार्मोनल चेंज, कि आपकी बॉडी में बहुत तेजी से हार्मोन्स का चेंज हो रहा होता है। दूसरा है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए तैयार हो रही होती हैं, इस कारण से भी आपको ब्रेस्ट में पेन होता है। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो ब्रेस्ट है बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार होती हैं, तो ऐसे में कभी कभी महिलाओं के ब्रेस्ट से लिक्विड निकलता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो सफ़ेद या पीले कलर का गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जो बच्चे को पूरे पोषक तत्व देता है, जो बच्चे का पहला दूध भी कहलाता है। ये कारण होते हैं जिसके कारण आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जो सीरियस हो सकते हैं। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कहीं भी कोई भी गांठ दिख रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये कोई भी प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। अगर आपको कहीं भी उसमें अल्सर या गड्ढे गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं ब्रेस्ट के आसपास, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा है कि आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में भी आपको बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको कहीं भी निप्पल के आसपास जख्म जैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये किसी तरह का संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सारी परेशानियां अगर आप देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर इसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। अपनी तरफ से अगर आपके नॉर्मल है और या कोई भी सीरियस परेशानी आपको नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको नमक का इंटेक काफ़ी कम कर देना है, इससे भी आपको ब्रेस्ट में दर्द की परेशानी से काफ़ी बच सकते हैं। आरामदायक ब्रा पहने।
देखिए क्या होता है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, तो आप अगर अपने पहले वाले साइज की ही ब्रा पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत कसाव महसूस होता है, आपके ब्रेस्ट अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पाते हैं, हार्मोनल जो चेंज हो रहा होता है, हार्मोन्स में बहुत तेजी से बदलाव होता है, बड़े हो रहा होता है आपका ब्रेस्ट, तो उस समय पर अगर आप सही तरीके से आरामदायक ब्रा नहीं पहनेंगे तो वो आपके लिए काफी परेशानी क्रिएट कर सकता है। आप चाहे तो पैडेड ब्रा पहन सकते हैं, आप सपोर्टेड प्रेगनेंसी ब्रा पहन सकते हैं, ये आपके काफी आरामदायक होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जिससे कि आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज का जो लेवल है वो काफी स्थिर रह सके, आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके और आपको अच्छे से पोषक तत्व मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा पानी का आपको सेवन करना है। डाइट का बहुत अधिक ध्यान रखना है क्योंकि डाइट अगर आप अच्छी नहीं लेंगे तो इससे आपके शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और आपको जगह जगह और काफी पेन का सामना करना पड़ेगा। कैल्शियम और विटामिन B6 का अच्छे से सेवन कीजिए। आपको और क्या करना है, देखिए बहुत बार क्या होता है प्रेगनेंसी में दर्द के साथ ईचिंग की समस्या भी हो जाती है, तो नहाते समय एक तो आपको गर्म ज्यादा तेज गर्म पानी से नहीं नहाना है, क्यों नहाने से क्या होता है दोस्तों आपकी जो गर्म पानी से नहाने के कारण आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और उससे भी आपको खुजली की समस्या हो जाती है, और अगर अपने ब्रेस्ट के आसपास के एरिया में और निप्पल वाला जो एरिया है अगर आप वहां पर साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर स्किन जो है काफी रूखी हो जाती है और वहां पर खुजली और स्किन कटने की समस्या भी देखी गई है, तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि नहाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके आपको उस पर मॉइस्चराइजर लगाना है जिससे कि आपको काफी आराम मिल सके। हल्की हल्की आप उसको सिकाई भी दे सकते हैं अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें आप कीजिएगा। हल्के हाथों से मसाज आप कर सकते हैं, जैतून का तेल आप लीजिए, हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए और सर्कुलर मोशन में अपनी ब्रेस्ट की हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी दर्द में आराम मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे प्रेगनेंसी के दौरान दर्द क्यों होता है ब्रेस्ट में, उसके क्या लक्षण है और क्या कारण है और आप क्या कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।